नंद मिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, यह कृष्ण की ही लीला है जिन्होंने करीब 5 महीनों से मंदिरों में लगे ताले को वैसे ही तोड़ दिया जैसे अपने जन्म के समय कारावास में लगे ताले को तोड़ा था। और यह कृष्ण की ही लीला है कि इस बार कोरोना को पटकनी देते हुए हम उसी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाने जा रहे हैं। जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर पूरा बाजार नन्हे से बाल गोपाल के कपड़ों और श्रृंगार से सज चुका है। इसके साथ ही लोग कृष्ण भक्ति में लीन होने को भी तैयार हो चुके हैं। यूं तो पटना में कृष्ण भगवान के कई मंदिर हैं, पर एक ऐसा मंदिर जो करीब 100 सालों से जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाता आ रहा है वह है गौरिया मठ का कृष्ण मंदिर, जहां पिछले 100 वर्षों से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जन्माष्टमी पर मेला भी लगता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मेले से संबंधित हर चीजें देखने को मिल जाएंगी। आगे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इस मेले में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये चलते हैं और करते हैं गौरिया मठ वाले बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आज हमारे कान्हा जी ने हमें बुलाया है और हम चले आए गौरिया मठ के इस पावन मंदिर में, जहां हम आपके दर्शन कराएंगे हमारे ठाकुर जी से। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। पिछला द्वार, इस पिछले द्वार से हम अभी पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे और दर्शन करते हुए ही हम आपको ले चलते हैं सीधे कान्हा जी के मंदिर में। अब आपको वो दर्शन कराने जा रहे हैं जिसकी आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, सीधे ठाकुर जी के दर्शन। गौरिया मठ मंदिर में प्रतिस्थापित इस मंदिर में जो ठाकुर जी की मूर्त है वो बहुत ही अद्वितीय है। इसके दर्शन मात्र से ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब हम आपको उस ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे, तो क्यों लेट करें, चलिए चलते हैं ठाकुर जी से मिलते हैं। इस मंदिर में आए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आप कान्हा जी की श्रद्धा का अंदेशा लगा सकते हैं। नतमस्तक होकर श्रद्धालु मंदिर में लगातार दर्शन को आ रहे हैं। यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं से भी हमने बातें की और जाना कि इतने दिनों बाद मंदिर आकर उन्हें कैसा लग रहा है और इस बार जन्माष्टमी की तैयारियाँ वो किस तरह से करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी होता है और बहुत अच्छे से यहाँ सब कुछ सजाया जाता है, बहुत मजा आता है। और बस और क्या बोले, पूजा पाठ होता है, भीड़ होता है, जाता है। अब हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की महत्वता क्या है और कब से स्थापना हुआ इस मंदिर का, ऐसी तमाम बातें हम उनसे करेंगे। चलिए मिलते हैं महाराज जी। वक्त इस मंदिर के महाराज जी जुड़ चुके हैं, हम जानेंगे कल की तैयारियों के बारे में उनसे और ये भी जानेंगे कि ये इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कब से जन्माष्टमी यहाँ मनाई जा रही है। मंदिर की स्थापना 1926 में हुआ था और यहाँ पर जब हमारे मूल गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, पटना में बहुत बड़ा एग्जीबिशन किए थे, इसलिए पटना का जो मूल नाम एग्जीबिशन रोड गौड़िया मठ के हिसाब से एग्जीबिशन नाम पड़ा है। और बहुत बड़ा कृष्ण जी की एग्जीबिशन लगाए थे और कृष्ण भावनामृत कृष्ण चेतना का एक महापाड़ लाया था, मंदाकिनी लाए थे,
हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जब यहाँ पहले मंदिर नहीं था तो इससे पहले क्या था? यहाँ पर इस स्थान में हमारे जो पहला मंदिर था कदम कुआं में था, एग्जीबिशन रोड, और उसके बाद ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आया। यह 1962 में आया और इस मंदिर का जगह जो था यहाँ का गवर्नर ने डोनेट किया था। जन्माष्टमी यहाँ कितने सालों से मनाई जा रही? जन्माष्टमी करीब पटना में हमारा 100 साल से मन रहा है। 100 साल से कल की तैयारी। यहाँ पहले मंगल आरती और उसके बाद भगवान कृष्ण की लीला स्तुति पाठ, और फिर उसके बाद हमारा दोपहर ठाकुर जी की भोग आरती, कृष्ण कथा, भागवत पाठ, कृष्ण की लीला जीवन के बारे में विशेष प्रवचन। तो यहाँ के जो और भी महाराज हैं उनसे पता चला कि दिन में करीब सुबह से लेकर रात तक में 3 बार यहाँ वस्त्र का ये होता है, वस्त्र वो चेंज जो करते हैं वो है। हमारे यहाँ ठाकुर जी का वस्त्र पोशाक 3 बार चेंज होता है, सुबह में मंगल आरती के समय में, दोपहर को भोग आरती के समय में, और रात को जब संध्या आरती होता है उस समय चेंज होता है। वस्त्रों के जो आप लोग बदलते हैं वस्त्र को, तो उसमें भी कोई विशेषता होती है कि किस रंग का वस्त्र पहनाया जाना चाहिए, किस वक्त किस रंग का वस्त्र पहनाना पड़ता है? सुबह हम लोग ठाकुर जी का विशेष करके नीला वस्त्र पहनाते हैं, दोपहर को विशेष करके ठाकुर जी का जो बैगनी पहनाते हैं, और रात को ठाकुर जी का पीला वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र। देखो कि मंदिर में आप ला रहे हैं, केंद्र एवं बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है उसी अनुसार मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शन होगा, उसमें मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस और मंदिर परिसर में बैठना, ज़्यादा समय रुकना मना रहेगा। दर्शन करेंगे श्रद्धा के साथ, आरती पूजन करेंगे और निकल जाएंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोई भीड़ नहीं होगी, कोई आदमी इकट्ठा नहीं होंगे, सभी लोग निरोग रहें, स्वच्छ रहें, इसी भावना से ठाकुर जी का आरती पूजा होगा। जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भक्ति सार महाराज। यहाँ मंदिर के आप मुख्य महाराज? मंदिर के हम बस सेवक हैं, मुख्य सेवक बोल सकते हैं। मंदिर में भी बहुत कुछ तैयारी पिछले वर्षों से काफ़ी गत वर्षों से होते रही, अभी 3 साल के बाद हम लोग फिर से उसी को दोहराया जा रहा है, क्योंकि अभी 26 तारीख को जो हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से जो रूल रेगुलेशन आया उसको काफ़ी फॉलो कर रखा जा रहा है, और इसमें हम लोगों को काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, मास्क, बिना मास्क का हम लोग को एंट्री कल नहीं देंगे, और हमारे सारे प्रबंधक लोग जो हैं, हमारे जो भी हैं बाउंसर लोग, प्रबंधक लोग, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं वो लोग आएंगे, अपने इनके कर्तव्य को निभाएंगे और सारे लोग को दर्शन बढ़िया से करने के भव्य से दर्शन होगी कल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता हुआ, हम यहाँ मंदिर के प्रबंधक हैं और यहाँ पर सेवक। सर विशेष पूजा ये होगा कि जन्माष्टमी के दिन 56 भोग लगता है, और उस दिन नया कपड़ा 3 बार पहनाया जाता है, दोपहर को, शाम को और रात को, और रात को अभिषेक किया जाएगा, और रात को 56 भोग भी लगाया जाएगा, और मंदिर का लाइट, फूलों का श्रृंगार और दर्शन भी, हाँ, और शाम के टाइम कीर्तन होगा, भागवत कथा होगा, और मंदिर में संध्या आरती 7:30 बजे लगभग होगा, और उसके बाद कीर्तन 1 घंटा तक चलेगा, 1 घंटा के बाद मंदिर बंद होगा, मंदिर बंद होने के बाद श्रृंगार शुरू होगा, श्रृंगार होगा, पूजा होगा, उसके बाद कि यहाँ भागवत कथा और दोबारा होता है, एक तो शाम को और रात को 10 बजे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार कीर्तन और कथा चलते रहेगी। मेरा नाम सुबल सखा दास। कैसी लगी हमारी जन्माष्टमी की ये स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।